आज हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसे आप किसी को खिलाएंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बिस्किट से बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू इंडियंस किचन। तो आइए देखते हैं इस मिठाई को कैसे बनाया जाता है। पार्ले जी से मिठाई बनाने के लिए हमें ये 3 पैकेट चाहिए पार्ले जी के, और ये 5 रुपीज़ वाले पैकेट हैं, इजीली मिल जाते हैं, और वेट में देखें तो ये 200 ग्राम है। मैंने ये सारे बिस्किट प्लेट में निकाल लिए हैं और अब हम इन्हें इस तरह से तोड़ लेंगे। तो हम जितने छोटे पीसेस तोड़ेंगे उतना ही हमारा फाइन पाउडर बनेगा। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही छोटे पीस कर लिए हैं, आप दो दो पीस भी कर सकते हैं। और अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट डाल दिए हैं और अब मैं इसे ग्राइंड कर दूंगी। बिस्किट का पाउडर बनकर तैयार है। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन बना है, इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं है, आप चाहें तो इसे छान सकते हैं। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध अगर आप फुल फैट लेते हैं तो उससे मिठाई और भी अच्छी बनती है। साथ ही में मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी डाली है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो आप पहले दूध को बॉईल कीजिए, फिर उसमें चीनी डालिए। इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो ये देखिए, ये दूध हमारा ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसे चेक करेंगे तो हमें इस तरह से इसमें चिपचिपाहट लगनी चाहिए, तो इसका मतलब दूध हमारा रेडी है। इसमें 2 से 3 इलायची है जिसे मैंने कूट कर ले लिया है, इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है, इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3/4 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह सूखा खोपरा जो होता है उसे भी ले सकते हैं, उसे आप ग्रेट करके ले लें और हल्का सा मिक्सी में चला लें तो उसका पाउडर बन जाएगा, उसे आप इसमें ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम 1 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद अब हम इसमें बिस्किट का पाउडर डाल देंगे। गैस की फ्लेम अब बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये एक डो की तरह ना दिखने लगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से जुड़ रहा है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे अपने आप ही जुड़ने लगेगा। ये देखिए, ये डो एकदम इकट्ठा हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस डो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम थोड़ा सा ही ठंडा होने देंगे, जितने में हम इसे छू पाएं। और अब देखिए, ये हल्का हल्का गर्म है, हमें हल्के से गर्म में ही इस तरह से इसके लड्डू या पेड़े जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाने हैं, ठंडा होने पर ये नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से हाथों में लेकर इसको इस तरह से गोल गोल हम लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए, बहुत इजीली बन जाते हैं और देखिए कितनी शाइन आ रही है इसमें। और हमने सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें घी डाला है। अब हम इस पर 1 बादाम रख लेंगे और इस तरह से फिक्स कर लेंगे। इसी तरह मैं सभी को इस तरह से गोल गोल करके इसका पेड़ा या लड्डू बना लेंगे। तो पहले तो ये देखने में लड्डू लग रहा है, लेकिन बादाम लगाने के बाद ये पेड़े की लुक दे रहा है। तो आप इस तरह से कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बनाना बहुत आसान है इसे। मैंने यहाँ पर सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं। और अगर आप ये मिठाई किसी को खिलाएंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये अपने बिस्किट से बनाया है। और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताएँ कि ये आपको कैसे लगे।
और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।